बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने क्लस्टर क्लासेस में। मैं आपका टीचर रियाजुद्दीन। तो पिछले इसमें हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीनोमियल के बारे में और हम लोग नाइन्थ के क्वेश्चन में गए थे, ठीक है। तो मैं वहां से आज कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो हमने लाइन के एक क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था कि लाइन का जो एक क्वेश्चन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे लाइन का एक क्वेश्चन था। मैंने बता दिया था कि एक्स वाई क्या होता है। एक्स वाई जो है इसका कोऑर्डिनेट है। ये मेरा आपके एक्स एक्सिस था और ये हमारा वाई एक्सिस था। इस सब बातें हम लोगों ने कर दिए थे। तो हमने कहा था हम तीन तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक क्यूबिक इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन था। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में, कैसे इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो भी इक्वेशन मैंने पिछली क्लास में कहा था इस फॉर्म में दिखाई देते वो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और जो इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिखाई दे वो इक्वेशन आपका है एक्स क्यूब और सी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू जीरो। ये है आपके क्यूबिक इक्वेशन। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। ये है आपका क्यूबिक इक्वेशन और ये है आपका लीनियर इक्वेशन। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, क्या क्या ड्रॉ करते हैं। और एक देखिए एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल एक्स और वाई, ये बताना चाह रहा है कि ये आपकी जो लाइन होगा जो आपसे किसी न किसी प्लेन पर रखा होगा, किसी न किसी प्लेन पर है। और एक्स वाई का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं आपको एक्स पे भी काट रहा होगा और कहीं ना कहीं वाई पर भी काट रहा होगा। कोई सा भी लाइन हो आप लाइन को प्रोसीड कर दीजिए वो कहीं ना कहीं एक्स पर भी काटेगा और कहीं ना कहीं वो वाई पर भी काटेगा। ये दो वेरिएबल के फॉर्म में है और हर का अपना कोऑर्डिनेट एक्स भी होगा और वाई भी होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने की थी पिछली क्लास में। ओके, अब जो है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम ध्यान दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब एक बात आप समझिए, आप क्या हो रहा है। बात यह है कि अगर x पर डिग्री 2 है, मैंने कहा था अगर किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होता है वह इसका कहलाता है डिग्री। इस पर x पर डिग्री 2 तरीके में इसको फिर से कर लेता हूं, ये x स्क्वायर है यानी इसका डिग्री, इस पूरे इक्वेशन का डिग्री क्या है, इस पूरे इक्वेशन का डिग्री जो है वो आपका 2 है। यानी ये 2 डिग्री का इक्वेशन है। अब 2 डिग्री इक्वेशन को ही हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसके मतलब हुआ क्या, दो देखिए अगर आपका अगर किसी भी वेरिएबल पर जो डिग्री होता है मैक्सिमम डिग्री आपके x का उतना वैल्यू आता है। जैसे यहां पर x का आपका 2 डिग्री है तो यहां पर x का 2 वैल्यू आएगा, 2 आंसर आएगा। अब ये 2 आंसर के मतलब क्या, 2 वैल्यू के मतलब होता क्या, क्या समझते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका वेरिएबल होगा वेरिएबल पर जो पावर होगा वो उस x पर 2 है तो मतलब ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटेगा। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि आपका ये जो इक्वेशन जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन किसी कर्व का इक्वेशन होता है, ठीक है ना। तो यानी ये भी किसी ना किसी कर्व का है। जब ये कर्व का है तो ये x पर डिग्री 2 है, इसके मतलब ये x एक्सिस को किसी भी 2 पॉइंट पर काटने वाला है। इस तरह दिया मैंने x को 2 पॉइंट पर काट रहा, एक पॉइंट ये रहेगा और एक पॉइंट ये रहेगा, ये 2 पॉइंट पर काटेगा। अगर हम बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन का तो वो x को 3 पॉइंट पर काटेगा। तो ये जो 2 पॉइंट पर काटा ये मैं बताना होगा कि ये किस 2 पॉइंट पर काटा वो उसका वैल्यू कहला जाएगा। कि x को ये जो कर्व का जो इक्वेशन है ये इक्वेशन x एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पर काट रहा है यानी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये x पर डिग्री 2 है इसके मतलब ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटेगा, कितने पर काटेगा, 2 पॉइंट पर काटेगा, ये पॉइंट पर और ये पॉइंट पर। तो इसका नहीं x की 2 वैल्यू। तो याद रख लीजिए जितने भी वेरिएबल पर डिग्री होता है x का उतना आंसर आता है यानी उतना उतने पॉइंट पर ही काट रहा है, इसी को हम बोले x की उतनी वैल्यू आ रही है। इसी वैल्यू को हम यहां पर कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल कहते हैं। दो वैल्यू आएगा वो एक हर वैल्यू अपने आप में क्या कहलाएगा,
जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। जैसे आपको याद होगा, आपने क्लास 8 में पढ़ा था, अगर मैं कहूंगा कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो बताइए x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलिएगा x की वैल्यू जो है इस 5 को इधर कर दीजिए, x की वैल्यू 5 है। इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन जो है x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5 यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपके कहने का मतलब ये हो रहा है x की वैल्यू 5, x की वैल्यू फिक्स है, y कुछ भी हो जाएगा, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से हम लोग आएंगे ग्राफ में, वो हम लोग लीनियर इक्वेशन देखेंगे। फिलहाल मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये x बराबर 5, x पर डिग्री 1 था, x का वैल्यू आया 1, x पर डिग्री 2 है तो x का वैल्यू आएगा 2, तो x का वैल्यू, x पर डिग्री 1 था, x का वैल्यू आया 1। इसके मतलब वो x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटेगा, वो कौन से पॉइंट पे काटेगा, 5 पर काटेगा, यानी इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। अगर x पर डिग्री 2 है, x पर डिग्री 2 है, तो ये x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट, एक फिर कर सकता है, तो 2 अलग अलग पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। x पर डिग्री 2 ये x एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। यहां तक ध्यान कर रहा है चीज, इसी दो वैल्यू को जो है, हम जो वैल्यू आ रहा है इसे हम कह रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। इसी को हम कहते हैं अल्फा और बीटा नाम भी बोलते हैं। आप देखोगे बुक में अल्फा और बीटा होगा, बहुत से बच्चे अल्फा बीटा देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होने का, ये नाम है, नाम है, कुछ भी नाम रख लीजिए, दो आंसर आया तो वैल्यूज आया, कुछ भी रख लीजिए, चुन्नू मुन्नू कुछ भी ढक रख लीजिए आप, तो यानी आप कुछ भी वैल्यू को आप रख सकते हो, यानी आपने रख दिया अल्फा बीटा, कुछ भी बोल तो चलेगा। तो एक्स का जो दो वैल्यू आया, जो दो आंसर आया, उसको आप आंसर कहते हो कि हमारा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x पर डिग्री 2 है तो x की वैल्यू 2 आएगा, जब x का वैल्यू 2 आएगा उसी दो वैल्यू को, एक को अल्फा बोला एक को बीटा बोला, यही दो वैल्यू जो है जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल कहलाता है। अब अल्फा बीटा को देखे घबराने की जरूरत नहीं है, क्या है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा x का दो आंसर है, वो कौन आंसर मतलब दो वैल्यू, दो वैल्यू मतलब वो x एक्सिस को जो दो पॉइंट पर काटेगा वो दो वैल्यू है, किस पॉइंट पर x एक्सिस को वो काट रहा है वो दो पॉइंट ही इसका वैल्यू कहलाएगा, ओके। ये बात तो समझ में आ गई, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होता तो वो इसे मैं मिटा रहा हूं, ओके। चलिए अब थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ओके। ये क्यूबिक अगर इक्वेशन होता तो इसका इक्वेशन किस फॉर्म में होता, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में लिख रहेगा वो इक्वेशन क्यूबिक है। मतलब क्यूबिक इक्वेशन के लिए जो वेरिएबल होगा इसका मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, जो उस पूरे इक्वेशन का डिग्री कहला जाएगा, यानी x पर पावर 3 तो वो इस पूरे इक्वेशन का 3 जो होगा वो डिग्री कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 3 इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। अगर डिग्री पूछता है तो आप बोलिएगा डिग्री 3 होता है, ठीक है, और इस पूरे इक्वेशन का डिग्री 3 है। इसके मतलब क्या हो गया, इसके मतलब ये हो गया क्योंकि ये पूरा इक्वेशन x के टर्म में है, ये पूरा का इक्वेशन y के टर्म में भी हो सकता था, जैसे ऐसे आप लेते थे ए वाई क्यूब और बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, यानी ये y के टर्म में हो सकता था, मतलब ये पॉलीनोमियल है इन टर्म ऑफ x, इसी चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं p, यानी ये पूरे का पूरे पॉलीनोमियल है, जो पॉलीनोमियल है एक से ज्यादा टर्म है, आप जाकर हमारा पिछला वीडियो देखिए, आपको वहां पर पूरा समझा रही है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पॉलीनोमियल है, इस पॉलीनोमियल को हम बोलेंगे पी फॉर पॉलीनोमियल। अब इसमें जो वेरिएबल का इस्तेमाल किया है हमने एक्स किया है, इसे बोलेंगे पी ऑफ एक्स बोलेंगे। तो ये हो गया पॉलीनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स, यानी वेरिएबल हम जो है वो एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कैसा है, ये 3 डिग्री का है, इसमें मतलब ये एक्स एक्सिस को किसी भी 3 पॉइंट पर काटने वाला है, लो शकर बन जाएगा, लो बन दिया, एक ये काटा एक ये काटा एक ये। तो क्यूबिक इक्वेशन का मतलब x एक्सिस को 3 अलग कोई किसी 3 पॉइंट पर वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x एक्सिस को वो 2 पॉइंट पे काटेगा, और लीनियर इक्वेशन मतलब x एक्सिस को वो 1 पॉइंट पे काटेगा, यही हर y के लिए होगा। अगर वो y के टर्म में है तो y को 3 पॉइंट पर काटेगा, x के टर्म में है तो x को 3 पॉइंट पे काटेगा। ये इक्वेशन इसके टर्म में था, इसीलिए मैंने दिखा दिया x को आपको 3 पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब भी आपसे कोई पॉलीनोमियल पूछ ले
बोले भाई बताइए कर्व किस चीज का है, आप डिग्री 3 देख लेना समझ जाना कि ये क्यूबिक इक्वेशन है और ये एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सारी बातें थी हमारी। चलिए अब जो है थोड़ी सी बेसिक चीज और हम लोग बात कर लेते हैं, सबको पहले दिखाते हैं जी, पूरे को खत्म करते हैं। अब बात है हमारा कुछ बात के उन्हें छोड़ते हैं, सब निकलते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन सपोज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है तो अब देखिए यहां पर एक वर्ड और आता है को एफिशियंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल है इससे जो चीज मल्टीपल है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। इससे मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे ए। मैं बोलूंगा एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे बी। और ये तो कांस्टेंट होता है, ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो कोएफिशिएंट जब भी पूछता है तो जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछता है आप क्या करोगे, आप उसका देख लोगे कि उस चीज से जो भी चीज मल्टीप्लाई है वो उसका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट एक भी हो सकता है और कोएफिशिएंट एक से ज्यादा भी हो सकता है। नहीं, और कभी कभी पूछता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, जब वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछता है तो बोलेगा वो वेरिएबल से जो भी नंबर मल्टीपल में है वो उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहता है। वो नंबर हो जाए कुछ भी नंबर, 1 2 3 5 कुछ भी हो जाए, वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा। अगर सिर्फ बोले सिर्फ कोएफिशिएंट तो जितनी भी चीजें मल्टीपल है वो सारा का सारा कोएफिशिएंट में कहा जाएगा। लेकिन बेसिकली क्वेश्चन पूछता है वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के बारे में ही बोलता है, आप वैसा ही समझ के काम कीजिएगा। ओके चलिए, तो आगे हम लोग तो चलिए अब हम लोग ये सब बातें सब कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं और जाते जाते, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन जैसे एक्स मैं यू कहूंगा एक्स माइनस टू सपोज दैट है ना बी एक्स ऐसे कर दूंगा ना, कुछ भी प्लस ऐसे छोड़िए ऐसे दिया एक्स माइनस टू प्लस थ्री टू जीरो। अगर बोला क्या ये आपका लीनियर इक्वेशन है, सॉरी ये आपका पॉलीनोमियल है, नहीं बिल्कुल नहीं है। याद रखिए पॉलीनोमियल होने के लिए कभी भी डिग्री निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर जो है कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव या इस फॉर्म में कह दीजिए 1/, जैसे सपोज मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये भी आपका पॉलीनोमियल नहीं होगा, इस फॉर्म में पॉलीनोमियल नहीं होता है, पावर हमेशा आपका पॉजिटिव होगा और नीचे में नहीं हो सकता है। इस दोनों को आप देखिएगा आप बोलिएगा वो आपका पॉलीनोमियल के फॉर्म में नहीं है। तो मैंने पॉलीनोमियल के फॉर्म में जितना था मैंने बता दिया, मैं कई के बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हुए आपसे इसको देखकर, तो अगर कहीं भी दिख जाए तो वो आपका पॉलीनोमियल नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, मैंने क्यूबिक भी बात कर लिया, क्वाड्रेटिक भी मैंने आपसे बात कर लिया। चलिए अब क्वाड्रेटिक में आप अच्छे समझ जाइए, एक क्वाड्रेटिक का इक्वेशन मैंने कहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूँ तो इसके मतलब आप समझ जाइए कि x पर डिग्री कितना है, 2 है। जब x का डिग्री 2 है तो इसके मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू भी 2 आएगी, x की जो वैल्यू होगी वो भी 2 होगी। तो याद रख लीजिए किसी भी पॉलीनोमियल में जितना वेरिएबल पर पावर उसकी वैल्यू उतनी ही होगी। आई रिपीट, किसी भी पॉलीनोमियल में वेरिएबल पर जो पावर है जितना पावर है उतना उसकी वैल्यू होगी। इसी वैल्यू को हमने क्या कहा, वैल्यू के मतलब जब मैं कह रहा हूँ वैल्यू इतनी होगी, आप लोग बोलते हो इतना आंसर आ गया। एक्चुअली बात मैंने बताया अभी, इसके मतलब क्या हो गया कि वो एक्स एक्सिस को उतने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, पावर 2 है तो एक्स एक्सिस को वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, इज इट क्लियर। चलिए अब एक बात और कहते हैं, अब एक बात यह है कि अब कर्व मान लो इसका 2 वैल्यू आएगा, इसका 2 वैल्यू आएगा, एक को मैंने कह दिया अल्फा और एक का नाम दे दिया बीटा। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप कुछ भी लिख दो, चिंटू लिख दो, मिंटू लिख दो, कुछ भी लिखना लिख दो, लेकिन आप समझिए जो दो वैल्यू है उसका हमने एक नाम दे दिया, ये नाम है। अब लिखने का जो चल रहा है उसको हम लोग स्टेट को मानते हैं, तो जो लिखा था अल्फा बीटा हमने उसको मान दिया दो वैल्यू। अब वो जो एक्स वन एक्स टू बोलते हैं, दो वैल्यू है, एक वैल्यू एक्स वन एक वैल्यू एक्स टू, ये भी चलेगा। इस दो वैल्यू पर जो आपके इंटरसेक्ट करता है, एक को हमने अल्फा के नाम से पकार दिया और दूसरे को हमने बीटा के नाम से, ताकि समझने में वो हमें इजी रहे। अब देखिए अब एक बात कहते हैं, अब जो वैल्यू आएगा आप उसको क्या कर सकते हो,
आप उसको ऐड भी कर सकते हो, आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप ये कर सकते हो। ठीक है, एक तो आप क्या है, दो चीज ध्यान रखिएगा, एक आप इसका आंसर को सॉल्व कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि सॉल्व करने का तरीका क्या है, या हो सकता है इसमें मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलिए फिलहाल आप जानिए, फिलहाल आप समझिए कि अगर आप x की वैल्यू को सॉल्व करते हो, आप सॉल्व करने की वैल्यू का तरीका अलग अलग है, वो हम लोग जाएंगे बाद में। आप समझिए जब सॉल्व कर करके x का जो दो वैल्यू लाएंगे, आप उस दोनों वैल्यू को जोड़िएगा, जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ इसका भी आएगा रिजल्टेंट, मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा इसका। एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या है कि आप डायरेक्ट ही तरीका है कि इसको देख करके रिजल्टेंट क्या आने वाला है, हम डायरेक्ट इक्वेशन को देख के भी कर सकते हैं। जैसे इसका अगर दो वैल्यू आएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा, हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इक्वेशन को देख करके कितना आएगा वो लिखते हैं। ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है, मैंने कहा था जिसका कोएफिशिएंट लगे वो उसका मल्टीपल होता है। एक्स स्क्वायर ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो मैं यूं कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। एक्स के कोएफिशिएंट को मैंने बी कह दिया और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मैंने ए कह दिया। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है दो जो इसका वैल्यू आने वाला है उसका सम, इसको कहते सम ऑफ रूट, इसे हम कहेंगे सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट को रूट भी कहते हैं। मैं बता रहा हूं जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल बोलिए, रूट ऑफ द इक्वेशन बोलिए, अल्फा एंड बीटा बोलिए, सारी चीजें एक ही होती है। आप बोलिए एक्स का दो आंसर निकालिए, चीज एक ही है, बोलने का तरीका अंदाज अलग अलग है, आप कुछ भी बोलिएगा कॉन्सेप्ट एक ही है, मतलब एक ही है। मतलब क्या है कि मतलब यह है कि वो एक्स को कितने एक्सिस पर काट रहा है, दैट्स ऑल। अगर पूछे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, इस इक्वेशन का जीरोस क्या होगा, पॉलीनोमियल ऑफ जीरोस क्या होगा, कुछ नहीं, बात सिर्फ वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि वो एक्स एक्सिस को कहां कहां पर काट रहा है, कहां कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पूछने का तरीका अलग अलग होता है, चीज एक ही है, कंफ्यूज नहीं करने का, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं सम ऑफ द रूट्स, आपके जो दो वैल्यूज आएगा, जो दो जीरोस आ रहा है, जो दो रूट्स आ रहा है, उसको अगर आप सम करते हो तो वो क्या हो जाएगा कि x का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव में अपॉन x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी क्या है, सी जो है आपका इसका जो कॉन्स्टेंट है वो सी कहलाएगा, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो ए कहलाएगा। मैं यूं कह सकता हूं कॉन्स्टेंट जो है आपका ऊपर रख देते हैं, कॉन्स्टेंट ऊपर रख देते हैं अपॉन कोफिशियंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ, एफिशिएंट ऑफ क्या भाई, एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप दोनों बोलेगा चलेगा, ठीक है, सी अपॉन ए बोलिए और ये, तो ये दो चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसकी वैल्यू हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, तो क्वेश्चन पूछता है कि इसका दो रूट निकालिए, वो मैं सॉल्व करने सिखाऊंगा अभी आपको, फिर बोलेगा उसको वेरीफाई कीजिए कि आप सही हो या गलत। अब आप सोचिए मैं कैसे वेरीफाई करूं, देखिए वेरीफाई करने के लिए जो हमसे कह रहा है, तो आपको क्या तरीका है वेरीफाई करने का, ये तो आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इससे निकाल लें, इससे निकाल लें, ये निकाला आप भी, जो भी होगा एक्स का कोएफिशिएंट यहां पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा यहां पुट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है रिजल्टेंट। एक्स अल्फा इंटू बीटा जो कांस्टेंट है वो लिखिए, और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो लिखिए, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है रिजल्टेंट। एक ये हो गया, दूसरा उसके बाद ये करने के बाद अब आप इसको जो सॉल्व करके आइएगा, उसके बाद सॉल्व करने पर दो आंसर आएगा एक्स का, जो दो रूट आएगा, जो दो जीरो आएगा, उसको अलग फिर सॉल्व कीजिए, उस दोनों जो रूट जो आंसर आया उसे आप ऐड कीजिए, देखिए क्या आ रहा है।
उसे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या रहा, देखिए मैच कर गया तो हाँ बोला एकदम सही है, दैट इज कॉल्ड अ वेरीफायर, सही भाई। अगर नहीं मैच कर रहा है, यहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन से निकाला और ये अल्फा प्लस बीटा हमने इसके आंसर सॉल्यूशन से निकाला, यानी इसका जो वैल्यू सॉल्व करके मैंने लाया, इससे मैंने सॉल्व किया, देखा ये और ये दोनों सेम कर हो गया तो मैं बोलूंगा वेरीफाई हो रहा है, नहीं हुआ तो वेरीफाई नहीं हो रहा है, पर हम कहने कहीं गलती पर है। समझ में आ गया, क्वेश्चन पूछता है कि सॉल्व इट एंड वेरीफाई द क्वेश्चन, वेरीफाई करके तो आप वेरीफाई से कीजिएगा सॉल्यूशन को, इज इट क्लियर। ये तो बात क्वाड्रेटिक का कर रहे थे, क्वाड्रेटिक कर रहे थे तो क्या हो, क्वाड्रेटिक कर रहे तो ये आपको जो है ना, तो अल्फा हमने क्या कहा, दो आंसर निकाला, इस दोनों को सम करेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, देखेंगे जो इसके और ये वाला मैच कर गया तो मैं कहूँगा मैं सही, मैच नहीं कर रहा है मैं वही। ये था हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, सेम इसी तरह क्यूबिक क्वेश्चन होगा। देखिए बच्चे कन्फ्यूज इसको रटने में करते हैं कि माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, बहुत दिक्कत हो जाता है, तो ठीक है मैं इसको आपको सुना रहा हूँ कैसे आप इसे याद रखिएगा, कैसे आप याद रखिएगा। देखिए इसको मिटाइए, ये बंद किए, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, डायरेक्ट क्या करना है आपको, खत्म बात लीजिए, जो हाइएस्ट डिग्री है, हाइएस्ट डिग्री इसका जो कोएफिशिएंट है इसको हमेशा नीचे रखिए, खत्म बात, जो हाइएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट है हमेशा नीचे। अब हम ऐसे जा रहे हैं, इसको छोड़िए, पहले अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा इंटू बीटा, इसको छोड़िए, जो अगला आया वो ऊपर, जो बाद में आया फिर वो अगला, और होता तो ऐसे करते चले जाते। पहला वाला हमेशा माइनस शुरू कीजिए, माइनस प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए इससे हम आपको क्यूबिक इक्वेशन दिखाते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन में इसमें तो दो ही था, तो बच्चे जनरली याद कर ही रहते हैं, लेकिन क्यूबिक में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैं वहां पर ही हो जाता हूँ, मिटा दो इसको, वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। हमारा क्यूबिक इक्वेशन क्या था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ व्हाट, क्यूबिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स पर जो वेरिएबल है इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री तीन है, डिग्री तीन है मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब ये एक्स एक्सिस को किसी भी तीन पॉइंट पर वो काटेगा, 1 2 3 कर लीजिए, वो यही आपसे कहना चाह रहा है, ग्राफ देगा, आप समझ जाओ किसका इक्वेशन, इक्वेशन देख करके आप ग्राफ हो सकते हो, और ग्राफ देख करके आप क्वेश्चन हो सकते हो। आपके जब पॉलीनोमियल का चैप्टर देखिएगा, पहले चैप्टर में आपको ग्राफ ही पूछा है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं फिर डिस्कस करूंगा बाद में। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, इसके तीन तीन वैल्यू तीन पॉइंट पर काटा, इसके तीन जीरो आएंगे, यानी इसके तीन आएंगे। x स्क्वायर वाले में जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रहा था, उसमें x का दो आंसर था, दो क्योंकि वो x एक्सिस को दो पॉइंट पर काट रहा था, ये तो x एक्सिस को तीन पॉइंट पर काट रहा है, एक दो तीन, ये दो ही काट रहा है, तो तीन काटेगा तो उसका तीन x का वैल्यू आएगा, यानी थ्री जीरो आएगा। तो अब यहां पर दो था तो एक को मैंने अल्फा बोला और एक को मैंने बीटा बोल दिया, यहाँ जो तीन काटेगा एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे, एक को गामा बोल देंगे, सॉरी ये तो गामा का सिंबल, अल्फा बीटा गामा, यहाँ दो था तो दो वैल्यू बोला, और कुछ होता कुछ भी ले लो, नाम है भाई, नाम से कोई मतलब नहीं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अल्फा बीटा गामा कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्फा बीटा गामा दिखाने के लिए कर रहा है ताकि आप इजिली आप इस सब को डिस्टिंग्विश कर सको, आपको लगे अच्छा ये अलग है, अल्फा टाइप का हो रहा है, ये बीटा टाइप का हो रहा है, ये गामा टाइप का हो रहा है, आपको देखने में अलग अलग दिख रहा है तो आप इजिली समझ जाओ। इसी चीज को अगर मैं ये ना कर करके एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री करते तो आप कंफ्यूज होंगे कि वो सिमिलर टाइप का हो रहा है, लेकिन वैल्यू तो अलग नंबर ही होगा, मे भी इसमें हो सकता है, लेकिन आप समझ जाइए कि वो तीन वैल्यू होगा, तीनों का मैंने अलग अलग नाम दे दिया, ओके। अब यहाँ पर भी क्या कर, जो वहां मैंने क्या सम किया था, दो वैल्यू को जोड़ा, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ भी करेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे, हम सम कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन वैल्यू आएगा। दूसरा कैसे लिखते हैं, आपको दो दो का सम ले सकते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, लीजिए दो कंडीशन, पहली बार तो मैंने तीनों को जोड़ दिया, यहाँ पर दो ही था, यहाँ पर तीन है, तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, एक तो मैंने तीनों को अलग अलग इंडिविजुअली ऐड कर दिया, दूसरा इसका हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कितना, दो दो कॉम्बिनेशन, देखो अल्फा बीटा मिला दिया, बीटा गामा मिला दिया, गामा गामा मिला दिया, तीसरा क्या होता है कि तीनों का एक कॉम्बिनेशन लेते थे, तीनों का मैंने एक कॉम्बिनेशन ले दिया, अल्फा सॉरी अल्फा बीटा और गामा,
तीन हो जाएगा वहां पर। इससे पहले जो आपने आप कंपेयर करोगे आपको याद आ जाएगा, आप कंपेयर करना सीखो हमेशा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास दो वैल्यू था अल्फा और बीटा, आपने एक बार इसको ऐड कर दिया और एक बार कॉम्बिनेशन लिया, तो कॉम्बिनेशन इसका दो ही था तो आपने इसका दो कॉम्बिनेशन ले लिया, लेकिन यहाँ पर तीन था आप क्या कर सकते हो, एक बार तीनों को ऐड कर सकते हैं, एक बार दो दो का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एक बार तीन तीन कर सकते हैं, तो तीन का एक ही खत्म हो जाएगा, दो दो का एक बन जाएगा और एक सिंगल बन जाएगा। अब इसका कैसे वैल्यू निकालिएगा, आप फिर वही चीज मैक्सिमम जो डिग्री है उसका जो कॉफिशियंट है सबको नीचे लिख दो, लो नीचे लिख दिया, यही याद करने का तरीका है ये, लीजिए जो मैक्सिमम डिग्री था इसके कोफिशिएंट को नीचे लिख दिया, ऊपर क्या रहेगा इसको छिपाइए पहले।